अरे वाह, शादी का मुहूर्त कैंसिल होते ही हमारे अच्छे दिन शुरू। क्या बात बीवी जी, कोई अच्छे दिन नहीं शुरू, लगता है कोई हमारे साथ माइंड नहीं। राहुल आप दोनों इस तरह लड़ लो कि तीनों नर्क मचाएंगे। क्या कर रहे हो तुम? हमारे पास से नर्क का दरवाजा बंद। हाँ, इंटरेस्टिंग से ज़्यादा फनी ज़्यादा हो रहा था वो। वेल एक्चुअली हमें एक पार्सल आया और हम उसको लेके बहुत इंक्विजिटिव हैं, क्योंकि राहुल के नाम से पार्सल आया तो हम सोच रहे हैं कि किसने पार्सल भेजा है। अब ऐसा टेंस माहौल चल रहा है घर में, तो पार्सल किसने भेजा है? और फिर पार्सल को हम इतने खुश होकर खोलते हैं और उसमें देखते हैं कि बॉम्ब है, और उस बॉम्ब में टाइमर लगा हुआ है, तो ऑब्वियसली सबकी सिट्टी पिट्टी गुल। और मैं और सुरभि तो वो बॉम्ब एक दूसरे को पास कर रहे हैं, इतना घबरा गए हैं हम लोग तो। हाँ ऑफकोर्स स्क्रीन पर तो बहुत डर लगेगा, पर वैसे इट वॉज वेरी फनी। लेकिन आपकी जो जो राहुल है वो काफ़ी डर जाते हैं और बोलते आपको भी चिल्ला देते हैं दोनों को, तो उस पर कोई बात नहीं, मैं बदला ले लूँगी अगले सीन में चिल्ला चिल्ला कर। बॉम्ब फटता है कि नहीं वो नहीं, हमें ऐसा लग रहा है कि ये हमारे किसी दुश्मन की वार्निंग आई है हमारे लिए, तो इसके बाद हम सीन करने वाले हैं, तो पता नहीं बॉम्ब फटेगा तो नहीं, ऑब्वियसली फटेगा तो नहीं, पर जो भी कुछ होगा वो एक वार्निंग सिग्नल होगा हमारे लिए कि अब सुधर जाओ और मेरा काम करने पर जुट जाओ। अब एक बिग बॉस करके हैं हमारे, उसमें अभी वो मिस्ट्री हैं, उनका खाली फ़ोन आता है, अभी उनकी शक्ल नहीं दिखाई गई है, तो ये उन्हीं ने आई एम श्योर ये हमें थ्रेट भेजा है कि अब जल्दी जल्दी ये काम खत्म करो, बेसिकली नरेन और पूजा की शादी ना होने देना। आप काफ़ी सुंदर दिख रहे हैं, आपकी ड्रेस के बारे में जानना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वेल ये देखिए, ये मैंने एक लॉन्ग स्कर्ट पहनी है जिसके नीचे स्कर्ट है, जिसके नीचे एक कैन कैन लगा हुआ है। ये एक ब्यूटीफुल ब्रोकेड कुर्ती है और इसके साथ ये कॉन्ट्रास्टिंग दुपट्टा। एंड ऑफकोर्स मैं खुद ही पर्सनल इंटरेस्ट लेती हूँ अपनी ड्रेसिंग में, तो ये ज्वेलरी और ये ड्रेस कुछ मेरा ही चॉइस है और हमने इसको कंबाइन किया है, तो आई ऑलवेज गेट कॉम्प्लीमेंट्स फॉर इट। थैंक यू।